अगर आप अपने वेट को कम करने के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। जी हाँ, हम आज आपको बताएंगे कैसे आप बिना एक्सरसाइज किए या कम से कम एक्सरसाइज किए हुए और हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करते हुए अपने वेट को कम कर सकते हैं और न सिर्फ कम कर सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद जीवन जी सकते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोडक्ट सफोला का फिटीफाई प्रोटीन स्लिम शेक। आज हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे और बताएंगे आपको इसकी उपयोगिता और कैसे आप इस सस्ते में पा। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विधु भूषण और आप देख रहे हैं दिनकर इंडिया लाइव। वजन कम करने की सोचते तो हम बार बार हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसका कारण है वजन के मेथड को न समझना। पार्कों में दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, कसरत करना, पसीना बहाना, ये सारी चीज़ें हम करके हार गए हैं लेकिन फिर भी वजन कम होता ही नहीं है। कारण है कि हमने उसके पीछे के विज्ञान को समझा नहीं है। देखिए, जब हमें अपना वजन कम करना होता है तो उसके पीछे दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर होता है आहार, यानी 80% जो मैटर करता है वो आपके खान पान पे मैटर करता है और 20% आपकी एक्सरसाइज पे। इन दोनों को मिलाकर दोनों के पीछे एक ही लॉजिक काम करता है, वो है कैलोरी मैनेजमेंट। हमारे शरीर को काम करने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता है ये हमारे वजन, आयु और कार्य के हिसाब से निर्भर करता है। और अगर हम अपनी आवश्यकता से अधिक कैलोरी खाते हैं तो वो कैलोरी फैट के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है और हमारा वेट बढ़ने लगता है। और अगर हम जितनी कैलोरी प्रतिदिन खर्च करते हैं उससे कम कैलोरी लेना शुरू कर दें, बाकी के बचे हुए कैलोरी के लिए शरीर अपनी जमा हुई चर्बी को यूज करता है जिससे कि वजन घटता है। जब हम कैलोरी खर्च अधिक करेंगे और लेंगे कम तो वजन घटेगा, और खर्च कम करेंगे ज़्यादा लेंगे तो वजन बढ़ेगा। जब हम एक्सरसाइज दौड़ धूप करते हैं तो कैलोरी अधिक खर्च होती है जिसके कारण से हमारा वजन कम होता है, या हम जब भोजन कम करते हैं और कम कैलोरी लेते हैं तब भी हमारा वजन कम होता है। कोई भी कम कैलोरी की चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपका वजन कम होगा, लेकिन साथ साथ आपके शरीर में न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगी। ऐसे में कोई ऐसा सप्लीमेंट होना चाहिए जिससे आपको कैलोरी तो कम मिले लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी की पूरी मिले। तो इसके लिए आप आजमा सकते हैं सफोला का हाई प्रोटीन स्लिम शेक। सफोला का हाई प्रोटीन स्लिम शेक एक भारतीय भोजन के मुकाबले 70% तक कैलोरी कम कर देती है आपका। जैसे कि आप जानते हैं कि एक भारतीय थाली में जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल आदि होता है लगभग हमें 500 से 600 कैलोरी मिल जाती है, लेकिन जब आप इस स्लिम शेक का इस्तेमाल करते हैं तो दूध के साथ मिला करके भी इसकी टोटल कैलोरी केवल मात्र 206 कैलोरी होती है। ऐसे में आप लगभग 400 कैलोरी का नुकसान करते हैं, और ये जो 400 कैलोरी एक बार भोजन से आपके कम होती है ये जुड़ते जुड़ते एक महीने में आपका लगभग 2 किलो वेट कम कर देती है, ऐसा कंपनी का दावा है। और न सिर्फ ये आपकी कैलोरी इनटेक को कम कर देता है बल्कि साथ में न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बढ़ा देता है। इसके एक सर्विंग में आपको 18 से लेके 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 4 से 5 ग्राम डाइट्री फाइबर मिलता है आपको। स्लिम शेक वर्तमान में आम, केसर, पिस्ता, बादाम, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, कुकीज फ्लेवर और कॉफी कार्मेल फ्लेवर में उपलब्ध है। सबसे पहले हमने देखा इस पे कि सफोला, जो एक ट्रस्टेड नाम है, सफोला जाना माना, फिटीफाई हाई प्रोटीन स्लिम मिल्क शेक, पौधों पर आधारित जो सुपर फूड्स हैं, ऐसे 5 सुपर फूड्स इसमें डाले गए हैं। मिल्क रिप्लेसमेंट शेक है। प्रोटीन शेक और मिल्क रिप्लेसमेंट शेक में अंतर होता है। प्रोटीन शेक एक्सरसाइज खेल कूद के साथ एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए लिया जाता है, लेकिन जो मिल्क रिप्लेसमेंट शेक होता है वो खाने को रिप्लेस करके लेते हैं। ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच में से कोई एक मील आपको स्किप कर देना है और उसके जगह आपको स्लिम शेक लेना है। इससे क्या होगा कि लगभग 400-500 कैलोरी पर डे आपकी कम होगी और धीरे धीरे एक महीने में आपका 2 किलो वेट कम हो जाएगा, 2 महीने में 4 किलो वेट कम हो जाएगा, जो कंपनी दावा करती है। जो 5 प्रकार के सुपर फूड्स हैं वो क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। उसमें सबसे पहला है क्वानिया। क्वानिया एक पादप है, एक पौधा है, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। क्वानिया सोर्स ऑफ द प्रोटीन, आयरन एंड मिनरल्स, एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरा है टर्मरिक। टर्मरिक आप जानते ही हैं, हल्दी। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल इसमें हुआ है। तीसरा सुपर फूड जो इस्तेमाल हुआ है
वो है बैकवेट। बैकवेट जिसे आप कुट्टू के नाम से जानते हैं, कुट्टू का भी इस्तेमाल है। कुट्टू रिच फाइबर और मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B2 एंड B3 पाया जाता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल हुआ है मोरिंगा, मोरिंगा जिसको लोग मुनगा या फिर सहजन के नाम जानते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है, जो कि रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन सी जिसमें पाया जाता है। इसके अलावा पांचवा सुपर फूड है अमरंथ। अमरंथ अर्थात जिसे हम लाल चौराई कहते हैं, सोर्स है ग्लूटेन फ्री सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड रिच आयरन। आप अगर एक सर्विंग यूज करते हैं, 3 बॉइल दाल के बराबर प्रोटीन मिलता है, लगभग 19 ग्राम प्रोटीन, और 1 कटोरी पालक के बराबर आपको फाइबर मिल जाता है। इसके एक सर्विंग में 250 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको 1.5 कटोरी दही खानी पड़ती है। 100 ग्राम अंगूर के बराबर विटामिन सी इसके एक सर्विंग से मिलेगा आपको। तो 10 बादाम खाने पर जितना आपको विटामिन ई मिलता है, उतना विटामिन ई आपको इसके एक सर्विंग में ही आपको मिल जाता है। बस 1 कप जब आप हरी सब्जी खाते हैं, जितना आपको आयरन मिलता है, उतना आयरन आपको स्लिम शेक के 1 यूनिट के सेवन से मिल जाता है। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पे नजर डालते हैं। सबसे पहले है वे प्रोटीन कंसंट्रेट, जो बहुत बेहतरीन प्रोटीन होता है, पचने में आसान होता है, बड़ा ही मसल्स को ग्रोथ में ताकत देता है, जो हमारे वेट को भी कंट्रोल करता है। इसके लिए इसको मैं दूंगा थंब मार्क। वगैरह वगैरह आप इस लिस्ट को देख लें। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसके एक सर्विंग में आपको 207 कैलोरी मिलता है। प्रोटीन 19.3 ग्राम मिलता है। कार्बोहाइड्रेट आपको 28 ग्राम मिलता है। डाइटरी फाइबर 4.5 ग्राम। एक सर्विंग में 6 ग्राम शुगर मिलती है आपको, जो इसका वीक पॉइंट है। टोटल फैट 1.1 ग्राम। सैचुरेटेड फैट 0.26 ग्राम। ट्रांस फैट लेस देन 0.1 ग्राम। अब कौन इसका इस्तेमाल न करे, ये भी आप एक बार जान लें। इसे दवा के रूप में और गर्भवती महिलाओं को इस्तेमाल नहीं करना है, और बच्चों की पहुँच से दूर रखना है इसको। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भाई बच्चों के लिए हम क्या करें फिर, तो बच्चों को आप डायनोसेक दे सकते हैं। डायनोसेक क्या होता है, बच्चों को कैसे दे सकते हैं, उसकी जो वीडियो है हमारे आई बटन में भी आ रही होगी या फिर इंड स्क्रीन पे, उसे जरूर देख लीजिएगा। आइए हम इसको आप दिखा देते हैं कैसे इसको बनाते हैं, वो अभी आप प्रक्रिया देख लीजिए, फिर हम बताएंगे आपको कैसे आपको सस्ते में और आसानी से मिल सकती है। ये जो हमारा 2 पैकेट आया हुआ है, ये पैकेट रखा है हमने, ये है मेरा 1 गिलास दूध, ये है कप और ये नॉर्मल शेकर। आप मिक्सर से भी बना सकते हैं, आपके पास मिक्सर हो तो। फिलहाल मेरे पास तो मिक्सर यहाँ पे नहीं है, और हमेशा हर जगह मिक्सर आप नहीं ले जा सकते, ट्रेन में या ट्रेवलिंग में, तो मैं अक्सर यात्रा में रहता हूँ तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये शेकर होता है, शेकर ये नॉर्मल ऐसा होता है, ये आप के अंदर ये स्प्रिंग लगी होती है। ये हर्बल, ये अमेजन की साइट मिल जाएगा आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खरीद लीजिएगा या जहां से इच्छा करेगी। ये पूरी तरह से चेक कर देता है इसको। ये हमारा शेकर है और ये दूध आपने देख लिया, दूध गाय का दूध है ये। आप चाहें तो टोंड मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो पानी में भी इसको ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस बाय वन गेट वन फ्री में से एक मैं निकाल देता हूं। देखिए अंदर से इस तरह से पूरी सील है, ये अच्छी सी सील है, ये नॉर्मल हमारे हाथ से भी खुल जाएगा। देखिए ये ऐसे खोलने पे खुल गया है, और इसके अंदर एक स्कूप है, अंदर पैकेट के अंदर हमारा प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो अंदर इस टाइप से पैकेट है, मैं इसको अंदर ही डाल देता हूँ, यहीं से काट के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने ये इसको खोल लिया है आखिरकार, और इसमें पाउडर है, एक वाइट क्रीम कलर का पाउडर को इसमें दिए हुए स्कूप से 2 स्कूप में मिलाना है, और 50 ml दूध मिलाना है, और फिर 150 ml दूध बाद में डालेंगे। मतलब टोटल 200 ml दूध की जरूरत होती है, जो हमने यहाँ 200 ml दूध रख रखा है। आइए देखते हैं। ऐसे हमने एक स्कूप भरा, ऐसे ही हमें 2 स्कूप डालना है शेकर के अंदर। 2 स्कूप डालने के बाद इसको यहां से आराम से इसको रख दें। उसके बाद हम इसे 50 ml दूध डाल देते हैं। हमने इसमें 50 ml दूध डाल दिया है, बाकी 150 ml के आसपास दूध रखा हुआ है।
जो बाद में डालेंगे। पूरा इसमें इसलिए नहीं मिलाना एक साथ में, ताकि इससे क्या होता है कि उसको मिक्स होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। 50 ml में इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब एक बार मिक्स हो जाएगा तो फिर आप बाकी का दूध इसमें डाल देंगे। कुल मिला के 200 ml दूध और 2 स्कूप इसके लेने हैं। आप इसके बाद हम टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है इसका। अच्छे से ढक्कन बंद करके बस इसको यहाँ से पकड़ के इसे अच्छे से शेक कर लेना है, इसे 30-35 सेकेंड तक या 1 मिनट तक। अब ये हिल चुका होगा, इसमें हम बाकी का भी दूध मिला के फिर इसे शेक करेंगे। ये देखिए 150 ml दूध के साथ मिला के मैंने इसको किया है, मिल गया है, काफी मिल गया है, गाढ़ा सा शेक बन गया है। बाकी का इसमें दूध इसमें हम मिक्स कर देंगे। हिलाएंगे बंद करके, पुनः एक बार हम इसे 10-15 सेकंड के लिए से हिला लेंगे। ये देखिए मैंने ग्लास में डाल दिया इसको, इस्तेमाल करूंगा और बताऊंगा आपको टेस्ट इसका। चॉकलेटी शेक है और एक बेहतरीन टेस्ट है। स्वाद के मामले में ये हर्बा लाइफ के शेक के जैसा ही है, ऐसा नहीं कि उसके से कोई अंतर है। बाकी इंग्रेडिएंट्स और इसकी क्वालिटी, इसका परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस क्या है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अभी आपने देखा हमने स्लिम शेक को बनाया, बनाने के बाद हमने टेस्ट भी किया था। तो टेस्ट करने के बाद इसका टेस्ट काफी बेहतरीन लगा, काफी अच्छा लगा। पेट भी भरा भरा सा फील होता है इसको लेने के लिए। तो मैंने इसको आजमाया भी था, लगभग हाँ हफ्ते में 0.5 किलो 1 किलो वजन आपका आराम से कम हो जाता है। अब रही बात कैसे आपको मिलेगा ये, 1290 रुपए इस पे MRP लिखी हुई है, लेकिन ये बाय वन गेट वन फ्री स्कीम पे आ रहा है। 1110 या 1112 रुपए में आपको 2 ऐसे डिब्बे मिल जाएंगे अमेजन पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से चाहे तो खरीद सकते हैं। मतलब लगभग एक का अगर हम दाम करें तो 550 रुपए के आसपास है, और एक जो डिब्बा है उसमें 12 सर्विंग है, तो 550 के आसपास एक आपको डिब्बा पड़ता है। और अगर 12 सर्विंग इसमें है तो इस लिहाज से लगभग 45 रुपए के आसपास आपका एक मील आता है। अगर आप दूध को भी उसमें इंक्लूड कर दें तो 50-55 रुपए। तो मुझे नहीं लगता कि 50-55 रुपए या 60 रुपए में एक अच्छा हेल्दी खाना आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। रोटी सब्जी दाल भी आप खाएंगे तब भी 80-90 रुपए का हो जाएगा, कैलोरी 400-500 हो जाएगी, और न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होगा भगवान जाने, और मार्केट की चीज़ें सेफ भी नहीं है वर्तमान में। तो मेरे लिहाज से तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपके पास भाग दौड़ में आप रहते हैं और आपको अपना वजन कम भी करना है और ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये नंबर वन तरीका है, लेकिन हाँ कम बजट में ये बेहतरीन चीज़ है। अगर आप चाहते हैं खरीदना इसको तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से क्लिक करके 1100 कुछ रुपए में। और अगर आपको कोई सुझाव शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।